अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमने सिक्स क्लास के पंजाब टेक्स्ट बुक्स के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। आप लोग इन एमसीक्यूज को अच्छे से कर लें, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, पीपीएससी के, एफपीएससी के, एफआईए के, क्योंकि उनमें जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है, तो जनरल नॉलेज में कंप्यूटर भी इंक्लूड होता है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर। हम प्रिंटर के क्या देखते हैं, एमसीक्यूज, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंट हम जो कंप्यूटर को या प्रिंटर को जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट के फॉर्म में देते हैं, ये हमें आउटपुट देता है, और आउटपुट भी किस फॉर्म में देता है, ये हार्ड फॉर्म में देता है, ठीक है। ये हमें पेपर के फॉर्म में क्या कर देता है, आउटपुट दे देता है हमारे सामने। तो प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। आज हम इसका पहला एमसीक्यू देखते हैं। 132 अ डैश गिव्स आउटपुट ऑन द पेपर। कौन सी चीज़ें जो हमें आउटपुट देती है पेपर पर, वो है प्रिंटर, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। Which of the following is not placed in the system unit? सिस्टम यूनिट में कौन सी चीज़ नहीं है पाई जाती, वो प्रिंटर है। बट जो सिस्टम यूनिट में चीज़ें पाई जाती हैं, वो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सारी की सारी कहाँ पाई जाती हैं, मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट में पाई जाती हैं। और एक वाहिद प्रिंटर है जो कि सिस्टम यूनिट में नहीं पाया जाता, ये सेपरेट से होता है। नेक्स्ट है 125 द प्रिंटर आउटपुट इस कॉल द, जो प्रिंटर की आउटपुट होती है हम उसको क्या कहते हैं, जो प्रिंटर हमें आउटपुट देता है वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में देता है। जैसे कि पेपर है, ये हार्ड फॉर्म में ही होते हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है 126 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर हैव द स्पीड इन द रेंज ऑफ 40 to 300 करेक्टरिस्टिक पर सेकेंड। 40 to 300 करेक्टरिस्टिक पर सेकेंड किस प्रिंटर की टाइप्स होती है, एक स्पीड होती है, वो होती है इंकजेट प्रिंटर की। जो इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंक्स यूज़ करते हैं कलर्स लाने के लिए। अगर हमने सिर्फ एक ही कलर का प्रिंट करना होता है, जैसे कि ये नोट्स हैं, इनको सिर्फ एक ही ब्लैक इंक के जरिए से क्या किया हुआ है, कॉपी किया हुआ, तो इंकजेट के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इंक यूज़ करते हैं। जबकि हम लेज़र्स प्रिंटर यूज़ करेंगे तो हम इसके अंदर इंक तो यूज़ करेंगे, बट वो ड्राई होगी, उसको हम लेज़र के ज़रिए से क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। और जो दोनों में से बेस्ट होता है वो प्रिंटर लेज़र प्रिंटर होता है, इसके ज़रिए से काम जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर इज़ द टाइप ऑफ, लेज़र प्रिंटर किसकी टाइप है, लेज़र प्रिंटर टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग की। 128 है अगर प्रिंटर डेट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, एक प्रिंटर जो कि वन लाइन को करता है प्रिंट एट अ टाइम पर, हैज़ द प्री डिफाइंड सेट ऑफ द करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द, जो एक लाइन को एक टाइम पे प्रिंट करता है उसको हम क्या कह देते हैं, ड्रम कह देते हैं। ड्रम भी क्या होता है, एक किस्म का प्रिंटर ही होता है जो काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द प्लॉटर्स हैज वेल हैज द प्रिंट, प्लॉटर्स और प्रिंटर दोनों को, दोनों क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जो हमें क्या करती हैं कि कब पेपर्स पे राइट डाउन करके चीज़ों को क्या कर देती हैं, आउटपुट हमें प्रोवाइड करती हैं। ये दोनों मिलके क्या काम करती हैं, ड्रम का काम करते हैं। ड्रम भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस ही होता है। नेक्स्ट है स्पीकर इन अ कंप्यूटर इज विच टाइप ऑफ द डिवाइस, स्पीकर जो हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं वो किस टाइप का, किस टाइप की डिवाइस होती है, वो आउटपुट डिवाइस होती है, जिसके ज़रिए से हम कोई चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या बन जाती है, जिसको टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या बन जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस बन जाती हैं। नेक्स्ट है 131 द डिवाइस विच आर यूज टू विद द कम्युनिकेशन एंड कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स विद द अदर कंप्यूटर्स एज नोन, कम्युनिकेशन के लिए हम जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं उसको कम्युनिकेशन ही डिवाइस कहते हैं, ठीक है। बोल चाल के लिए जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको कम्युनिकेशन ही डिवाइस कहेंगे। मोडेम स्टैंड फॉर द मोडेम, किसको स्टैंड करती है, देखो एम ओ, ये हमने फर्स्ट इधर से पिक किया है एम ओ, और जो नेक्स्ट है डी डी ई एम, डी ई एम इधर का थर्ड लेटर के पिक किए हैं, इधर से टू लेटर जो पिक किए हैं, इसलिए इसका बन गया मोडेम। तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या होगी, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, सिग्नल को कन्वर्ट करता है, जिसके जरिए से हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, दोबारा से सिग्नल्स को उसी डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है, वो चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो, ठीक है। मॉड्यूलेटर का काम होता है सिग्नल कन्वर्ट करना, डी मॉड्यूलेटर वापस से सिग्नल्स लेके आना। हु हैज़ द फादर ऑफ द इंटरनेट, फादर ऑफ नेट का फादर कौन है, वेंट क्रफ, वेंट क्रफ को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट का फादर कहते हैं, ठीक है। ये आज हमने प्रिंटर के कुछ रुपये एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, आप लोग इन एमसीक्यूज को अच्छे से कर लें, और हम इंशाल्लाह ताला ऐसे ही
कुछ दिनों तक सिक्स क्लास के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम सेवन्थ क्लास के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। आप लोग इन एमसीक्यूज को डेली ही करते रहें, क्योंकि ये एजुकेटर्स के जॉब्स के लिए नहीं, ये हर एक जॉब्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग और बेसिक बेसिक से इनकी जस्ट एमसीक्यूज भी रीड कर लेंगे, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। अब ये सोचें ना कि ये एजुकेटर्स के लिए, नो, ये हर एक एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस्लामियात, उर्दू, मैथ, बेसिक मैथ, आप लोग इनको अच्छे से करें।